दरअसल नागफनी के बंगला गांव में रहने वाले महिपाल पुत्र राम सिंह सैनी उस समय घायल हो गया जब वह ई रिक्शा चलाकर शाम को अपने घर वापस लौट रहा था। रविवार की शाम बादल आंधी के गुब्बारे में तब्दील हो गया। ई रिक्शा चलाकर प्रभात मार्केट से अपने घर वापस लौट रहा था तभी आंधी के गुब्बारे ने महिपाल को चपेट में ले लिया और ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया जिससे महिपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घटना की जानकारी देते हुए घायल ने भाई ने क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह सैनी है। अच्छा, क्या मामला था, एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कौन है आप? कल जो तूफान आया था ये उस तूफान में अपने मतलब रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा लेके अपना आ रहे थे और आंखों में धूल आई उनके और कुछ देखना बंद हो गया। रिक्शा जो है खम्भे में ठुक गया, सड़क के किनारे खम्भे जो लोग होते हैं और उससे इनके काफ़ी घायल हो गए हमारे पास घर पे। घायल आपके कौन? भाई हैं हमारे। आपको घटना की जानकारी कब मिली? घटना की जानकारी इनके बेटे के पास फ़ोन आया था पुलिस वालों का, तो उन्होंने फ़ोन करा के अपने भाई को आकर के अपने पिताजी को आकर देख लो